हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज तक मैंने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करी है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बहुत ही इच्छा हो रही थी इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। आई होप वो समझ गई होंगी कि मैं क्या कहने वाली हूँ। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन बड़ी बात ये होती है कि जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, गर्ल्स के, वुमेन के, जो आजकल तो मतलब एज का कुछ पता ही नहीं होता है, और जो 12 प्लस हो जाते हैं, 15 प्लस हो जाते हैं, उनके पीरियड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, ठीक है गाइज। तो ये ज़रूरी भी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमें अंदर से बिल्कुल फिट रखने के, इंटरनल जो बॉडी होती है हमारी उसको फिट रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को पता ही होगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, पीरियड्स की नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो गाइज, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अलग है। आप लोग को ये पता होना चाहिए गाइज कि जो वुमेन होती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर जो लड़कियाँ हैं जिनकी सगाई हो चुकी है, ठीक है, वो अपने बाल को पीरियड्स के टाइम पे कब धोएं और कब ना धोएं, ठीक है। हेयर वॉश कब करना चाहिए गाइज, पीरियड्स जब आपके चल रहे होते हैं तो आपको 3 दिन के बाद, मतलब कि तीसरे दिन आपको हेयर वॉश करना चाहिए, ठीक है। कितने दिन के बाद की मैं बता रही हूँ, पहले आपको सबसे पहले तो 3 दिन, जो आपका 2 दिन हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको थर्ड डे हेयर वॉश करना चाहिए अपना। और कौन कौन से दिन को आपको हेयर वॉश करने चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। बट आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ कि मैं हेयर वॉश की जो 3 दिन का जो टाइम बता रही हूँ वो क्या होता है, मैक्सिमम हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो 5 डेज के होते हैं, ठीक है। मेरे जो होते हैं वो 5 डेज के ही हैं, और उसके बाद से जब आप हेयर वॉश वगैरह करते हो तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वैसे तो 5 डेज का ही होता है, बट अगर आप, जैसे आपके फर्स्ट डे पीरियड आया हो और आपको शादी में जाना है, आपने ऑयलिंग वगैरह करी है, तो आप उस चीज़ को, अगर उस दिन ट्यूजडे पड़ रहा है, वेनसडे पड़ रहा है, तो आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाती है कि जो ब्लीडिंग होती है वो कभी धीमे होती है जब आपका फर्स्ट डे होता है, और आप जब थर्ड डे हेयर वॉश करते हो तो जो ब्लीडिंग का जो स्पीड होता है वो धीमा होता है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से होता है। बट अगर आप फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे हेयर वॉश करते हो या फिर सेम डे हेयर वॉश करते हो, तो जो ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जो हैवी फ्लो से अगर आप बचना चाहते हो तो आप अपने पीरियड्स का टाइम जो है वो नोट कर लीजिए। एक मैं ऐप यूज़ करती हूँ, मैं आप लोग के साथ में वो ऐप भी शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग को जानना होगा उस ऐप के बारे में तो बता दीजिएगा, मैं अच्छे से इन्फॉर्म कर दूँगी आप लोग को। और जब मैं मेरा बेबी पेट में था, कंसीव हुआ था बेबी, तब भी मैंने एक ऐप यूज़ करी थी, उसमें मुझे सारी चीज़ें बता देता था, डाइट वगैरह। क्या हुआ बेटा? गाइज, कृष्णा ना वॉकर लिया था, मैंने कृष्णा का वॉकर चेंज कर दिया है कृष्णा के लिए। कृष्णा के नानी और नानू ने इनको एक वॉकर गिफ्ट किया था जब ये कृष्णा गए थे, तो हमने उसको रख दिया था। तो कृष्णा की हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ गई है, तो वो जो वॉकर है जो इनका पहले वाला था, इनके डैड लेकर के आए थे, तो वो उस वॉकर में इसका पैर दबने लगा था, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। कृष्णा हेलो बोलो बेटा, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। चलो बेटा अब आप खेलो, ठीक है। सो गाइज, आप लोग कह रहे थे ना कि कृष्णा से बुलाइए, तो मैंने बुला दिया फाइनली। तो हम बात कर लेते हैं कि जब ब्लडिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप, और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपके पीरियड्स हैं, तो आप अगर पीरियड्स में अगर उस ऐप को यूज़ करते हो तो आपको उसमें पता लग जाता है, उसकी जो डेट होती है वो पता लग जाती है कि आपका पीरियड कब आने वाला है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ में मिस हो जाता है, तो उस ऐप में आप लगा सकते हो और वो आपको रिमाइंड करा देता है कि आपका पीरियड इस डेट में आने वाला है, ठीक है। तो मैं वो ऐप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और जब बेबी होने वाला था मेरा तब भी मैं एक ऐप यूज़ करती थी, तो उसमें सारी डाइट वगैरह वो बता देता था कि आपको क्या लेना है, कैसे करना है। तो और मेरी एक आदत थी कि मैं पानी बहुत पीती थी। डिलीवरी से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूंगी, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद इंसान अगर शेयर करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और एक इंफॉर्मेशन ही मिलती है आप लोग को सही। सो गाइज, जब आपका पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो आप उससे जान जाओगे, तो आपको अगर ऑयलिंग करनी है तो आप उस चीज़ को नहीं करोगे, अवॉइड करोगे। मुझे भी कहीं शादी में जाना होता है तो मैं उस ऐप के ऊपर डिपेंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसमें ऐप में अपना डाल दिया था डेट, और उसके बाद से जब वो पीरियड्स आते थे तो सेम डे में ही आते थे, कभी लेट नहीं होता था
सेम डे उन्होंने अगर 26 तारीख, उस ऐप ने अगर 26 तारीख बताई है तो 26 तारीख को ही मेरा पीरियड आता था। मतलब बहुत ही अच्छा ऐप है। जब उस ऐप के बारे में मैं बताऊंगी, आप लोग को इंटरेस्टेड होंगे तो बता दीजिएगा, तो मैं वो आप लोग के साथ में ऐप शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हेयर वॉश कब करना चाहिए, ठीक है, डे की बात कर लेते हैं। गाइज अगर आपका पीरियड आ रहा है बीच में, ठीक है, तो अगर मंडे पड़ रहा है तो आपको हेयर वॉश नहीं करना है। इसमें मंडे में हेयर वॉश नहीं करते हैं बिकॉज इससे हस्बैंड की जो एज होती है वो कम होती है और उसके बाद से उनका जो प्यार होता है वो भी घटने लगता है। आप ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे और संडे में आप अपनी हेयर वॉश कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे में शनिवार का जो ग्रह होता है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है और उससे ये होता है कि आपके घर में कलह स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मेरी बातें झूठ लगती है तो आप एक हफ्ते, एक महीने करके देख लीजिएगा, आप लोगों को जो रिजल्ट होगा ना वो आपके सामने होगा, ठीक है। शनिवार को अगर आप पीरियड्स के टाइम पे हेयर वॉश करते हो तो आपके घर में कलह होना स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से शुक्रवार को अगर अपने बालों को आप पीरियड्स के टाइम पे वॉश करते हो तो इससे ये होता है कि आपके घर में जो लक्ष्मी होती है, बरकत होती है, आपके हस्बैंड की जो कमाई होती है उसमें कमी आने लगती है, आपके घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जिससे कि आपके जो पैसे होते हैं सेविंग चीज़ें जो करके रखते हो आप, वो सारी चीज़ें लग जाती हैं उसमें, फिर भी आपके घर में मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर भी वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। तो एक बार अगर आप इस चीज़ को करते हो तो ये आपको सालों साल, 2 साल 3 साल तक चीज़ें सामना करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, अगर आप करते हैं तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग को पीरियड से रिलेटेड और भी बातें जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है गाइज। एक मैं माँ हूँ और मैं एक्सपीरियंस है, बेबी हुआ है मेरा, आप लोग को पता ही है। तो जब एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है तो इंसान वो सारी चीज़ें शेयर करता है तो अच्छा लगता है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन छोटी सी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।